नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार हर साल बाढ़ की मार झेलता है। हर साल बाढ़ के कारण न जाने कितनों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और न जाने कितने घर गुजर जाते हैं। ऐसे में बिहार में एक ऐसी योजना आने जा रही है जिससे 72 घंटे पहले ही पता चल जाएगा कि बाढ़ आने वाला है। इसके साथ ही नदियों का मापदंड भी हो पाएगा, यानी कि बिहार वासियों को एक ऐसी योजना मिलने जा रही है जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ा उजाला कह सकते हैं कि आ सकता है। दरअसल देश का दूसरा जो है वो नदियों के धाराओं का प्रवाह केंद्र जो है वो बिहार में बनने जा रहा है और देश का दूसरा केंद्र होगा बिहार, जहां पे ऐसा कोई केंद्र बनने जा रहा है। और इससे बिहार वासियों को सोचिए कि कितनी ज्यादा सुविधा होगी जहां हर साल कोसी नदी के कारण बाढ़ आ जाती है और न जाने कितने लोगों को जान माल का खतरा होता है और न जाने कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे में 72 घंटे पहले जब उन्हें पता चल जाएगा कि बाढ़ आने वाला है तो न जाने कितनी जानें बच जाएंगी। नदियों से जुड़े डेटा एकत्र कर उनके जल संचयन और प्रवाह क्षमता आदि का अध्ययन करने वाला देश का दूसरा केंद्र बिहार में जल्द अस्तित्व में आएगा। सुपौल जिले के वीरपुर में बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत निर्माणाधीन इस भौतिकी प्रतिमान केंद्र का निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और कई निर्देश पदाधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री को इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि केंद्र का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करें। उन्होंने कहा है कि यह सब बनकर तैयार होगा तो अपने आप में विशिष्ट होगा। भौतिकी प्रतिमान केंद्र के शुरू होने से बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई की योजनाओं के लिए नदियों से जुड़े जरूरी अध्ययन को कम समय में पूरा किया जा सकेगा। आपको इसके लिए पुणे जाने की जरूरत नहीं होगी, इससे होने वाले खर्च में भी बचत होगी। यहाँ नदियों के हाइड्रोलिक गुणों का अध्ययन किए जाने से बिहार के साथ साथ दूसरों राज्यों को भी फायदा होगा। नदियों के हाइड्रोलिक गुणों के अध्ययन के लिए यह पुणे के सेंटर वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के बाद भारत का दूसरा संस्थान होगा। इसके माध्यम से बाढ़ आने से 72 घंटे पहले सूचना मिल जाएगी। तो जरा सोचिए कि बिहार वासियों को इससे कितना ज्यादा लाभ मिलेगा। जल विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में इस तरह का उन्नत संस्थान दुनिया के गिने चुने देशों में ही है। 108 करोड़ 93 लाख की लागत से इस केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। शुरू में यहाँ कोसी नदी से संबंधित अध्ययन किया जाएगा, लेकिन बाद में बिहार एवं पड़ोसी राज्यों की अन्य नदियों से जुड़े डेटा एकत्र कर उनके जल संचयन और प्रवाह क्षमता आदि की जानकारी भी जुटाई जाएगी। इस केंद्र में कोसी नदी का भौतिकी प्रतिमान, कोसी बराज का प्रतिमान मुख्य रूप से रहेगा। साथ ही बिहार के अन्य नदियों के लिए 4 अदद मॉडल ट्रे का निर्माण किया जा रहा है, जिससे अन्य सभी नदियों की भी मॉडलिंग कार्य किया जा सकेगा। यानी जरा सोचिए कि जब ये केंद्र दिसंबर तक बन के तैयार हो जाएगा तो केवल बिहार ही नहीं अन्य राज्यों को कितना ज्यादा लाभ मिलेगा। बाढ़ जैसे समस्या से न केवल बिहार बल्कि कई और राज्य हैं जो ऐसी समस्या से हर साल जूझते हैं। अगर हम बात करें बिहार की तो कोसी नदी बिहार की एक ऐसी नदी है जिस कारण हर साल बाढ़ आ जाती है और जो नदियों के किनारे रहते हैं वैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। कई बार तो पटना में भी पानी जो है वो लबालब भर जाता है बाढ़ के कारण। तो ऐसे में अब जब नदियों की क्षमता की जो है वो इसका जांच किया जाएगा और साथ ही ये भी सूचना मिल पाएगी कि बाढ़ कब आने वाली है तो बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। आपको बताते चले कि पुणे में पहले से ऐसा केंद्र मौजूद है। पहले पुणे में ही जो नदियों के सैंपल होते हैं वो वहां जाते थे, लेकिन बिहार में इस केंद्र के बनने के बाद अब बिहार वासियों को न केवल बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि कम खर्च में ये सारे कुछ हो पाएंगे और बल्कि अन्य राज्यों को भी इससे लाभ मिलेगा। तो बिहार के लिए कहीं ना कहीं कहें तो ये योजना बहुत ज्यादा लाभकारी होगी, साथ ही बिहार का नाम भी रोशन होगा कि देश का दूसरा ऐसा केंद्र बिहार में है। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।